फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा मेहनत किए बिना, ज़्यादा कोई जंपिंग वाली एक्सरसाइज किए बिना वेट लॉस करना चाहते हैं, और वेट लॉस से ज़्यादा अगर अपना पेट और अपनी कमर का साइज कम करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी प्रैक्टिस बताने वाली हूँ। ये प्रैक्टिसेस आपको करनी है, डेली बेसिस पे करनी है। एक राउंड इसका मेरे साथ में अभी कीजिए, और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको ये एक्सरसाइज इंपैक्टफुल लगती है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना, साथ में अपने शहर का नाम और अपना नाम भी जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस, एक्सरसाइज से जुड़ी वीडियोस कंटिन्यूअसली मेरे चैनल पर आते रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी एक्सरसाइजेज है ना, बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज है, कोई भी कर सकता है। चाहे आपको कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या आपने कभी कोई एक्सरसाइज नहीं की है, पहली बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, वजन बहुत ज्यादा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तभी भी आप ये एक्सरसाइज मेरे साथ कर सकते हैं और अपने पेट और कमर का मोटापा कम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है? फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए पैरों के बीच में इस तरह से गैप देंगे, ऐसे। ठीक है, अपने हाथ को इस तरह से साइड में लेके जाएंगे, पूरा इस हाथ को बिल्कुल सीधा रखेंगे इस तरह से, और धीरे से आपको इस हाथ को इस तरह से पीछे लेके आना है, ऐसे। मेक श्योर कि अपने पैरों को आपको बिल्कुल नहीं घुमाना, जहां तक आपका हाथ सीधा जा रहा है इसको इस तरह से सीधे लेके जाएंगे, इसको ऐसे ढीला नहीं छोड़ना है, बिल्कुल सीधा इस तरह से लेके जाइए और वापस लाके इस तरह से सीधे अपने कमर पे रख दीजिए। फिर दूसरा हाथ सेम इस तरह से पीछे जाएगा। जब आप इस तरह से पीछे स्ट्रेच करेंगे ना, तो इधर कमर में यहाँ पे आपको काफ़ी स्ट्रेच फील होगा, दोनों साइड में। इधर जाएंगे तो इधर महसूस होगा, इधर जाएंगे तो इधर महसूस होगा। ठीक है, बस ध्यान रखना कि हाथ आपको सीधा ही रखना है। ठीक है, 10 बार हम इसको करेंगे। So come on, let's start. 1, 2, 3. पेट को एकदम खींच के टाइट करके रखिए, पैर अपनी जगह फिक्स। 5, 6, 7, 8, 9 and 10. फर्स्ट एक्सरसाइज डन। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, जो इससे भी ज्यादा सिंपल एक्सरसाइज है और बहुत इफेक्टिव है। पैरों के बीच में आपको बहुत थोड़ा सा गैप रखना है, इस तरह से दोनों हाथ इस तरह से अपने कान के पीछे रखेंगे, ये ऐसे। ठीक है, अब आपको आराम से एक तरफ साइड पे इस तरह से बैंड होना है, ये, एंड देन सेंटर एंड द अदर साइड। अगर आप इस एक्सरसाइज को बेड पे बैठ के देख रहे हैं ना, तो ये आपको बहुत आसान और नॉन इफेक्टिव लगेगी, लेकिन अगर मेरे साथ में आप इसको कर रहे हैं तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगेगी। इधर साइड में आपको इतना ज़बरदस्त खिंचाव आएगा कि मज़ा आ जाएगा आपको ये प्रैक्टिस करके। चलिए इसके भी हम 10 राउंड करेंगे। अगेन ध्यान रखना कि कमर को बिल्कुल सीधा रखना है और जस्ट साइड में इस तरह से बैंड होना है, एंड द सेंटर एंड द अदर साइड एंड सेंटर, बस इतना ही मूवमेंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax completely, normalize your breath. So, ये देखिए कितनी आसान एक्सरसाइजेज है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अगली जो प्रैक्टिस है ये भी काफ़ी आसान है। इसके लिए दोनों पैरों को आपको इस तरह से सेंटर में रखना है। अब जो आपका राइट वाला पैर है, इसको लेफ्ट वाले पैर से पीछे क्रॉस कराएंगे इस तरह से, ये। ठीक है, समझ में आया ना? जैसे दोनों पैर एक साथ में रखे हैं, तो राइट वाला पैर आपको इस तरह से पीछे लेके जाना है और कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। अब आप जो पैर पीछे लेके गए हैं, वही वाले हाथ को ऊपर उठाएंगे और इस तरह से ये साइड में बैंड, एंड देन वापस सेंटर, और सेम प्रैक्टिस दूसरे पैर से। मेक श्योर कि आपके दोनों घुटने सीधे होने चाहिए जब आप इस पोजीशन में हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस भी हमें 10 काउंट के लिए करनी है। सो चलिए, लेट्स स्टार्ट। 1, 2, come on, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. आई होप कि एक्सरसाइज करके आपको काफी अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप जरूर दीजिएगा।
ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे एक्सरसाइज सिखाने का तरीका पसंद आता है, एक्सरसाइजेस पसंद आती हैं, तो आप मेरे लाइव वर्कआउट सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे व्हाट्सअप करके आप और ज़्यादा जानकारी मेरी क्लासेस के बारे में ले सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए अगेन पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप देंगे, दोनों हाथों को इस तरह से अपने कानों के पीछे यहाँ पे रखेंगे। अब आपको एक लॉन्ग डीप ब्रेथ करना है इस तरह से, एंड देन एक्सेल। अगेन आपको अपने पैर नहीं हिलाने हैं, सिर्फ अपनी कमर को पीछे ट्विस्ट करना है, ठीक है। दोनों साइड से हम ये प्रैक्टिस करेंगे टोटल 10 बार, ओके। मेक श्योर आप ब्रीथ ठीक से कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहने चाहिए और सर को आपको ऐसे दबाना नहीं है, ठीक है। सो कम ऑन, कमर को एकदम सीधा रखिए एंड जस्ट डू दिस प्रैक्टिस। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड देन एक्सेल। सेंटर में आते हुए इनहेल, एक्सेल, कम ऑन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस करने के बाद आपको अपनी कमर पे यहाँ पे दोनों साइड पे आपको काफी अच्छा स्ट्रेच फील हुआ होगा, साइड में दोनों साइड पे यहाँ पे भी फील हुआ होगा। तो इस प्रैक्टिस को अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो ये आपके स्पाइनल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके साइड फैट को तो रिड्यूस करता ही करता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस भी आपको डेली बेसिस पे करना है। अभी जितनी प्रैक्टिसेस मैंने बताई हैं, मैंने सबके 10-10 राउंड आपको बताए हैं। इनिशियली आपको 10-10 राउंड का पूरा एक सेट इसी तरीके से लगाना है। जब आप इसके लिए काफ़ी फैमिलियर हो जाएं, तो आप इनके रेपिटेशंस को बढ़ा दीजिए। 10 की जगह आप 20 रेपिटेशंस करने लगिए, एक सेट की जगह आप 2 या 3 सेट भी लगा सकते हैं। 100% आपको फायदा होगा। इन एक्सरसाइज के साथ साथ आपको डाइट प्लान भी प्रॉपर फॉलो करना है। अगर आप अपना कस्टमाइज डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो ये जो मेरा नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पे मैसेज करके आप कस्टमाइज डाइट प्लान भी ले सकते हैं। हमारे डाइट प्लान में आप जो भी घर की बनी चीज़ें खाते हैं वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी, प्लस किसी तरह का कोई भी सप्लीमेंट या दवाई आपको बिना रिकमेंडेशन के नहीं दी जाएगी। यानी कि सिर्फ घर का खाना खा के आप अपनी बीमारियों को भी रिवर्स कर सकते हैं और अपने वजन को भी घटा सकते हैं। अगर आप मेरा प्रॉपर वर्कआउट प्लान लेना चाहते हैं जिसमें आपको डेली 1 घंटा एक्सरसाइज कराई जाती है, साथ में आपको प्रॉपर डाइट प्लान मिलेगा और दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो आपके फैट लॉस में भी हेल्प करता है और आपकी बीमारियों को रिवर्स करने में भी हेल्प करता है। बीमारी जैसे कि अगर आपको पीसीओडी है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड का प्रॉब्लम है, तो उनको रिवर्स करने के लिए भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। मैं एक सर्टिफाइड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूं, तो फिर मैं अच्छे से जानती हूं कि आपको किस बीमारी में क्या चीज खाना है, क्या नहीं खाना है, उसके हिसाब से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा अगर आप मेरे लाइव सेशंस ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। तो आप ये वर्कआउट करते रहिए और प्लीज अपनी डाइट को फॉलो कीजिए। एग्जांपल डाइट प्लान का लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इस डाइट प्लान को आप जरूर एक बार चेकआउट कीजिए और अपनी तरफ से 100% उसको फॉलो कीजिए। विद इन अ वीक आपको इसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको वर्कआउट करके कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।